हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। हम आज यहाँ पे UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम इंटरव्यू सेशन के बारे में बात करेंगे। उसमें हमारा जो आज का टॉपिक होगा डेमो क्लास का बात होगा, ठीक। उससे पहले हमने इंटरव्यू सेशन से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना चाहिए, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए और उसके अलावा जो है किस तरीके से हमें जो है इंटरव्यू पैनल के सामने बिहेव करना चाहिए, इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ऐसे करके 4-5 सेशन है इंटरव्यू सेशन से रिलेटेड, आप जा करके प्रीवियस में जा करके उसको चेक कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की जो है टेलीग्राम चैनल लिंक पे चाहिए तो ऑब्जेक्शन के लिए तो प्रूफ है उस पर, आप जा करके वहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे हम डेमो क्लास के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें इंटरव्यू में अगर डेमो क्लास मतलब क्लास लेने के लिए बोला गया कि आप पढ़ाइए जिससे कि मैं आपको जज कर सके, तो आप कैसे लेंगे, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल के और पीजी लेवल के बच्चों को पढ़ाना होगा, तो आपको जो है पढ़ाने का एक तरीका होता है, आ रहा है या नहीं आ रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो है डायरेक्ट पढ़ाने जा रहे हो, आपने कुछ ऐसे ट्रेनिंग वाले नहीं किए, जैसे बीएड कुछ लोगों ने बीएड किया होगा तो इसलिए बीएड या इस तरह की जो होती हैं हमारी, जैसे कि अगर आप पीएचडी कर लेते तो उनको पता है इनकी मास्टरी हो जाती है अच्छे से, तो ये कर सकते हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती नहीं है क्योंकि हमारा एमए लेवल और नेट के ऊपर है बेस्ड। तो हम जो है इस बारे में करेंगे कि क्या होता है, क्योंकि पीजीटी के एग्ज़ाम में भी ये लोग जो है पढ़ाने के लिए बोलते हैं, इसलिए सारे के सारे स्टूडेंट जो है 2 से 3 टॉपिक प्रिपेयर करके गए थे। तो सबसे पहले डेमो क्लास में हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम किस तरीके के जो है टॉपिक उठाएँ जिससे कि वो प्रेजेंटेबल लगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि आप किस तरीके का टॉपिक प्रिपेयर करें कि आप प्रेजेंट उसे अच्छे से प्रेजेंट कर सके और जो आपके स्टूडेंट यानी जो आपके इंटरव्यूअर हैं उस वक्त जो है आपके स्टूडेंट हो जाएंगे और आप वहाँ के टीचर और आपको जो है उनको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक। तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करें, ठीक, तो उसके लिए और कैसे उनको जो है उनका इंटरेस्ट बनाए रखें, उसके लिए जो है आपको एक ऐसा टॉपिक उठाना पड़ेगा जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ा सा उसमें डायग्राम हो, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हो या कुछ चौक से जब रिटेन करते हो तो उसमें जो है उनका इंटरेस्ट होता है कि ये, क्योंकि डायग्राम रहेगा ना ऑटोमेटिकली, अगर आपने डायग्राम किया हुआ है तो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसको एक्सप्लेन करोगे, जब एक्सप्लेन करोगे तो उस डायग्राम से पता चल जाता है कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है या नहीं। तो जब आप डायग्राम वाली चीज़ें स्पेशली इन इकोनॉमिक्स जब आप डायग्राम वाली चीज़ों को जो है प्रेजेंट करते हो तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और सामने वाले का जो है आप इंटरेस्ट बनाए रखते हो, वो आप में जो है कि नेक्स्ट कैसे पढ़ाएगा क्या करेगा ये, तो आप जो है अपने लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के, जैसे होता है ना रिटेन और राइट हैंड मतलब वोकल और राइट दोनों होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। तो हम किस तरीके के टॉपिक, जैसे कि आज हम यहाँ पे सेशन में इंडिफरेंस कर्व को लेंगे, इंडिफरेंस कर्व में आपको भी पता है कि यहाँ पे ड्राइंग भी है, थोड़ी सी मैथ्स भी है ड्रॉ करने के लिए और समझने के लिए, और थ्योरी पार्ट है। और आप कहेंगे कि मैम हम थ्योरी पार्ट या एकदम थ्योरी, जैसे कि मार्केट तो मान लीजिए कि अच्छा टॉपिक है, मार्केट में थ्योरी नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्केट में जब जैसे ही आप अंदर स्ट्रक्चर में जाएंगे परफेक्ट कंपटीशन वगैरह, तो आप जैसे ही वो ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप जो है ऐसे मोनोपोल ये, तो ये सारी चीज़ें ARMR, तो वो सारी चीज़ें जो है आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन अराइज होने लगते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई जैसे कैपिटलिज्म हो गया, इस तरीके की जब आप टॉपिक लेते हैं तो ये पूरी की पूरी जो है थ्योरी पार्ट हो जाती है, जिसमें आपका समझाना, जैसे कोई जैसे कि जब मैंने पीएचडी के लिए गई थी तो मैं इस तरह की कोई प्रिपरेशन करके नहीं गई थी, ठीक, तो मुझे ये अच्छे से पता था कि जब उन्होंने मुझे बोला कि आपको पढ़ाना है तो सबसे पहले एक बिहेवियर होता है पढ़ाने का, जैसे कि उठ, जैसे ही आपको बोला जाए पढ़ाने के लिए तो वो मैं सारी बातें बताती हूँ, लेकिन जो मेरा टॉपिक था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन था जिस पर मैं रिसर्च पेपर के लिए गई थी। तो ये एक थ्योरी पार्ट है मोस्टली, इसमें आप कोई डायग्राम क्या ड्रॉ करोगे, तो फिर भी मैंने कोशिश की और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में जैसे आप जब ड्रॉ वगैरह करते हो तो थोड़ा सा
इम्पैक्टफुल होता है। और वहाँ के जो प्रोफेसर ने उन्होंने मुझसे कहा था कि चलिए आप मुझे पढ़ाइए, हम आपके नॉटी स्टूडेंट हैं, नॉटी बच्चे, शरारती बच्चे हैं और आपको हमें पढ़ाना है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लेते हैं। सबसे पहले आप जो है एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो आपके लिए आज, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो और सामने वाले को प्रेजेंटेबल लगे, ठीक। जैसे मार्केट का कोई आपने परफेक्ट कंपटीशन वगैरह ले लिया या इंडिफरेंस कर ले लिया, ठीक। तो जब आपने इंडिफरेंस कर ले लिया, तो फॉर एग्जांपल इंडिफरेंस कर हो गया, तो आप जो है ये हमारा जो है सेलिब्रेशन का जो है टाइम, ये मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए लगा दूं। और आगे के जो नेक्स्ट टाइमिंग है, जितने भी हमारे UPSC के और जितने भी वीडियो बनेंगे उसमें ये सारे लगे रहेंगे। और आप लोग को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जब बोला जाएगा कि आप हमें जो है एक डेमो क्लास दीजिए जिससे हम आपको जज कर सकें, आप ऐसे नहीं बोलेंगे जज कर सकें, आप हम आपको पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, आप एक डेमो क्लास दीजिए हमें पढ़ाइए। तो आप सबसे पहले आपने उठना है, वहाँ पे जो है ब्लैक बोर्ड तो होगा ही, ठीक। और अगर ब्लैक बोर्ड मोस्टली जब इस तरीके के होते हैं तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड वो रखे होते हैं या जो है अपना जो वाइट बोर्ड होता है वो रखा होता है, ठीक। तो आप वहाँ से उठेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, तो फिर वहाँ पे जाएंगे, अगर आपका जो है ब्लैक बोर्ड जो है अगर जैसे लिखा हुआ है तो आप उसको रब करेंगे, और रब करते वक्त जब आपका जो इरेजर होगा यानी कि जो भी होगा वो साफ़ करने वाला, आप उसको जो है ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे, जिससे कि जो भी सारा कचरा होगा, डस्टिंग होगी, वो आप नीचे की तरफ, जिससे कि नीचे आए। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं या इंटरव्यू, उनके ऊपर नहीं जाता, तो वो थोड़ा ये होता है कि नहीं उनको अच्छा लग रहा है कि इसको पता है कि कहाँ जाना चाहिए, करना कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप जो ये सामने की तरफ आप डेट लिख देंगे, कौन सा डेट है ये लिख देंगे, फिर जो है आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, या जैसे कि उनको बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपना जो है इंट्रो पार्ट दे करके, और फिर आप बोलेंगे कि कल जो प्रीवियस लेसन में हमने, जैसे आज हमारा इंडिफरेंस कर टॉपिक है तो हमने यहाँ इंडिफरेंस कर लिख दिया, ठीक, आईसी करो, इस तरीके से हम आईसी करो लिख देंगे। फिर उनसे कहेंगे कि गुड जो है कि हमारा कल जो प्रीवियस लेसन था उसमें हमने जो है हिक्स के ऑर्डिनल और मार्शल के जो है कार्डिनल अप्रोच को पढ़ा था, अब हम जो है उसके आगे जो है चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है, जो कि हमारा हिक्स के ऑर्डिनल पे ही बेस्ड है और हिक्स ने ही दिया है, तो हम आज जो है इंडिफरेंस कर्व करेंगे, और उससे पहले जो है हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। क्योंकि आप प्रीवियस का मेंशन कर देते हैं ना, तो क्लास में क्या होता है, आप जो है कि जब जाते हैं तो नेक्स्ट चीज़ ही पढ़ाते हैं, और उसको जो है उसके पहले जो प्रीवियस का होता है तो एक रिकॉल हो जाता है कि नहीं प्रीवियस में आपने क्या कराया, तो इससे इम्पैक्ट अच्छा हो जाता है, ठीक। फिर जब आपका आप ये इतना सारा चीज़ हो गया, तो अब आपका जो है टॉपिक आ गया इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व आपने लिख दिया आईसी कर्व, इस तरह हो गया। तो सबसे पहले आप जो है स्टूडेंट को बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जैसे कि एन इंडिफरेंस कर्व इज द लॉ ऑफ द पॉइंट विच रिप्रेजेंट डिफरेंट बंडल ऑफ टू गुड विच यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंसर्न कंज्यूमर। यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं का, दो गुड का जो है कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को जो है कंज्यूमर को देता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है अपने पास यील्ड करके रखा होता है और कंज्यूमर उसे जो है ऑप्टेन करता है, ये जो है इंडिफरेंस कर्व हमारा होता है। अब हम बात करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व दिखता कैसा है, और इंडिफरेंस कर्व को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट ये इस तरीके से आया कैसे। तो ये जो हिक्स के बारे में है कि हमने हिक्स का जो ऑर्डिनल है, इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है इंडिफरेंस कर्व हो गया कि हमने ये बताया, अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है, इंडिफरेंस कर्व ये बोलता है कि ये दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम जो है जब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन है, यानी एक हमारा जो है एक्स गुड ले लेते हैं या ए गुड ले लेते हैं, एक हमारा जो है बी गुड ले लेते हैं, ठीक। और उससे पहले आप जो है एजम्पशन बताएंगे
क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ें, अब यहाँ पे तो आप एजम्पशन बताएंगे कि इनकम कांस्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है, तभी तो ये आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो उससे पहले आप एजम्पशन बताएंगे, प्रॉपर्टीज बाद में आती हैं, जो कि मैं भूल गई। तो ये इंडिफरेंस कर हो गया, आप जो है अपने सामने जो बुक में देखिए, बुक में जिस सिक्वेंस में होगा आप उसी सिक्वेंस में प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर के बारे में वो बताते हैं मीनिंग एंड डिफिनेशन, फिर उसके बाद जो है एजम्पशन, जिसमें आपका जो है एक होता होगा, एक है इनकम हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक, और टेस्ट प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें भी हमारी कांस्टेंट होती है। तो हम इस वाले से, क्योंकि इसी वाले से हमारा जो ये प्रेफर करता है कि हमारा उनका जो है बजट कांस्टेंट है, तभी तो हमारा जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक आईसी करो का जो होता है, जिसपे एक ही प्राइस में वो जो है डिफरेंट बंडल आप टू गुड को जो है चूज करता है, और उस पर जो है हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है यील्ड करता है, ऑप्टेन करता है। तो ये इस तरीके का होता है। तो टू डिफरेंट पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर, यानी कि हम ये देखते हैं कि हमारा ये इंडिफरेंट, अगर हमारा जो है इनकम है तो इस इनकम लेवल पे ये होता है, ठीक, एक मिनट, यानी अगर हमने वाई की ये बंडल ली तो हमें एक्स की ये लेनी होगी, और जब ये तो इस तरीके से, और ये तो इस तरीके से, ठीक। जब हमारा इनकम के साथ हम इक्विलिब्रियम करेंगे आईसी कर्व का और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तब वहाँ पे हम जो है इनकम कोड भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमारा आईसी कर्व को ड्रॉ करते वक्त ये जंक्शन में तो मेंशन करेंगे ना कि हमारा इनकम जो है सेम होता है। अभी तो आपका यूपीएचएससी वाले में आईसी करो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, जिसमें आपका इनकम कॉन्स्टेंट था लेकिन परफेक्ट डिविजिबिलिटी, तो परफेक्ट डिविजिबिलिटी वहाँ पे क्या पूछा था आपको पता है? वहाँ पे पूछा था कौन सा एजम्पशन नहीं होता है, वीक ऑर्डरिंग दिया था, कॉन्स्टेंट इनकम दिया था, एक और दिया था, और एक दिया था परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ गुड, ठीक। तो यहाँ पे परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ गुड को ही हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। यही से जो परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ गुड होती है, उसमें हमारा जो है यहाँ पे एमआरएस जो है डिक्लाइन है, माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स, ये एमआरएस क्या है, ये हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, जो कि हमारा बताता है, और इसकी वैल्यू ये जो माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये कि हमारा ये डिमिनिशनिंग होती है, यानी कि घटती हुई होती है। और परफेक्ट, और यहाँ पे जो है डिविजिबिलिटी होती है, यानी हाईली डिविजिबल होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व में, जो दोनों गुड होते हैं, यानी कि हमारा अगर एक गुड इतना ले रहे हैं तो एक गुड हम कम कंज्यूम करेंगे, एक गुड बढ़ाएंगे तो दूसरा गुड इतना, और एक गुड यहाँ तो यहाँ। और परफेक्ट डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है, ये इस तरीके से हमारा आईसी कर्व ऐसे हो जाए जाएगा, लीनियर हो जाएगा, यानी अगर हम जो है वाई गुड को इतना कंज्यूम करेंगे तो एक्स को जीरो करेंगे, और एक्स को इतना कंज्यूम करेंगे तो वाई को जो है हम इतना जीरो कंज्यूम करेंगे, और ये हमारा परफेक्ट डिविजिबिलिटी होगा अगर इस तरीके का जो है आईसी कर होगा लीनियर। तो यहाँ पे हमारा जो है एमआरएस जो है जीरो हो जाएगा, एमआरएस जीरो हो जाएगा, जो कि हमारा इंडिफरेंस कर का एजम्पशन नहीं होता है। इंडिफरेंस कर का एजम्पशन होता है कि हमारा जो है एमआरएस, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी, हमारा जो है डिमिनिशनिंग होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे पहले आप जो है एजम्पशन को बता देंगे, एजम्पशन को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि लेसन में एक सीक्वेंस होता है, आप जब पहले मीनिंग, फिर आपका जैसे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने ब्लैक बोर्ड जो भी है उसको प्रोसेस सही किया, फिर उसके बाद जो है आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के प्रीवियस आपने क्या किया, फिर टॉपिक के बारे में बताइए, फिर टॉपिक का जैसे ही स्टार्ट हुआ उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर एजम्पशन को जरूर लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा ड्राइंग पार्ट है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा क्लास भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, कि इसके बाद अगर जैसे कि अगर वहाँ पे बंदा कोई नया है तो आप जैसे कि उसके उसको ये समझ के चलिए कि आपके सामने जो है वो बिल्कुल भी अनजान है, उसको कुछ नहीं आता, तो वो आपके प्रीवियस से ही वो सारी चीज़ों को जो है कलेक्ट करेगा, और आप जिस तरीके से पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग अगर उसको वो तो समझ में आएगा तो और अच्छा रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो एजम्पशन का जरूर होता है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा घटती हुई होती है, ये कांस्टेंट इनकम होता है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे परफेक्ट डिविजिबिलिटी हमारा जो है हमारा ऑप्शन में नहीं था। और वीक ऑर्डरिंग अगर आप पूछेंगे क्या होता है तो हम उसको भी समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जो है इंट्रोडक्शन के पार्ट बाद जो है एजम्पशन को जो है आप वो जो है एक्सप्लेन करेंगे। और जब एग्जम्पशन एक्सप्लेन कर रहे हो ना, जैसे कि आपने एक टॉपिक यहाँ पे उठाया
कि हमारा जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमारा आईसी कर्व जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर जो है बेस्ड है। ठीक, ये हमारा हो गया। जब हमारा जब इसका, तो आप इसको ये नहीं कि आप ऐसे बोल दिया कि हमारा जो है आईसी कर्व इसके ऊपर बेस्ड है, नहीं, इसका मतलब क्या होता है ये आप समझाइए। जैसे कि क्योंकि इसी से वो क्वेश्चन बना देंगे कि हमारा आईसी कर्व जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये क्या होता है। तो MRS के बारे में बताएंगे हम कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताती है कि जब हम एक गुड का कंजप्शन करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली, कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है, जो यूटिलिटी होती है, वो घटते जाती है एक पॉइंट के बाद, वो निगेटिव भी हो जाती है, जीरो के बाद वो निगेटिव भी होती है। यही तो होता है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम किससे देखते हैं, MRS से। MRS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसमें हम एक गुट के कंजप्शन को जब बढ़ाते हैं तो दूसरा गुट का कंजप्शन ऑटोमेटिकली हमारा जो है कम होता जाता है। ठीक, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से, यानी कि अगर हमने जो है वाई गुड को कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो हमें एक्स की एक यूनिट को जो है सेक्रीफाइस करनी होती है, यानी कि अगर वी वांट टू कंज्यूम वन एडिशनल यूनिट ऑफ वाई, देन वी हैव टू सेक्रीफाइस सम क्वांटिटी ऑफ एक्स, या हम बोल सकते हैं इफ़ वी वांट टू कंज्यूम एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, देन वी हैव टू सेक्रीफाइस सम एडिशनल सम यूनिट ऑफ वाई, इस तरीके से, तभी हमारा जो है ये हमारा MRS होता है। और ये हमारा जो है स्लोप को दिखाता है, स्लोप ऑफ आईसी कर्व, और इसका जो है इसकी वैल्यू जो होती है माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स। और अगर उसने पूछ दिया कि ये माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है, तो मतलब ये हमारा जो है डेरिवेशन है, यानी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। एक तरह से हम इसको लिख सकते हैं यम यू वाई बाई यम यू एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, यम यू आई यम यू, यानी कि अगर हम डेरिवेशन करेंगे ये पार्ट, ये इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम जो है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन करेंगे वो वाला पोर्शन, जैसे हमारा डेल जेड हो गया, फिर हमारा डेल एक्स डेल जेड, तो ये वाला चीज़ जो है पोर्शन कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है डेल वाई बाई डेल एक्स, इस तरीके से। तो क्या है, जब आप एजम्पशन को जो कहने का मेरा मतलब है, जो एजम्पशन है आप उसको लाइन बाई वाइज, लाइन बाई जो भी चार छः इनकम कॉन्स्टेंट है, यानी आप ऐसे कहेंगे कि इनकम हमारा जो है हमने कॉन्स्टेंट एज्यूम करके रखा है, यानी चाहे प्राइसेज हमारे एक के इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो हमारा नॉमिनल इनकम होता है वो कांस्टेंट होता है और रियल इनकम हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है। देन वहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि रियल इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे होता है, तो वो आपको एग्जामिनर पूछे उससे पहले ही आप बता दो। जैसे कि एक सपोज कीजिए आपने बोला इनकम कांस्टेंट होता है, तो उनके मन में आएगा ना कि इनकम कौन सा कांस्टेंट होता है, तो उसके लिए वो आपसे पूछे उससे पहले आप बोल दो कि यहाँ पे जो है नॉमिनल इनकम कांस्टेंट होता है और रियल इनकम जो है इंक्रीज और डिक्रीज होती है। देन नया क्वेश्चन अराइज होता है कि रियल इनकम डिक्रीज और इंक्रीज कैसे होती है, तो वो ये पूछे उससे पहले आप खुद अपने एक्सप्रेशन में देते जाओ कि रियल इनकम डिक्रीज और इंक्रीज कैसे होती है। सपोज दैट कि आपके पास 100 रुपीज़ है और प्राइस हमारा जो है एक गुट का 10 है और इस पर हम जो है 10 बंडल खरीद लेते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये हमारा जो है ये हमारा इस वक्त नॉमिनल हो गया और क्योंकि प्राइस ही आप सेम है, लेकिन अब हमारा जो है प्राइसेज हमारे जो है डिक्रीज हो गए, यहाँ पे हमारा 8 हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है अब हमारे पास 100 रुपये हैं, अब हमारे 8, पहले हम 10 गुट खरीदते थे, अब हम ज़्यादा खरीदेंगे, अराउंड आई थिंक 12/96 समथिंग कुछ। ठीक, तो हमारा जो क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, यानी कि रियल इनकम इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे कि आपका रियल इनकम इंक्रीज कैसे हो गया, यानी कि वो जो क्वेश्चन आपसे पुटअप करना चाहते हैं, अराइज करना चाहते हैं, आस्क करना चाहते हैं, उससे पहले ही आप क्वेश्चन कर दो। क्योंकि जब आपका डेमो क्लास होगा तो डेमो क्लास में वो देखते हैं कि क्या ये सिर्फ मोटे मोटे बता रहे हैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन, क्योंकि आपकी जो क्लास होती है उस क्लास को बताने में जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि क्या
होता है, कैसे होता है, उससे बच्चे को अच्छे से समझ में आता है कि ये है ये है। जैसे आपने एजम्पशन को क्लियरिफाई, जैसे आप अगर परफेक्ट कंपटीशन करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस गुड होता है, यानी जो ए है और जो बी गुड है वो सी गुड, तीनों का जो है कैरेक्टर वाइज सेम होता है। यानी अगर ए को खांसी आ रही है तो बी को खांसी आएगी, सी को भी खांसी आएगी ही आएगी। उसी तरह हमारा ये होता है, यानी कि P इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर होता है, हमारा होमोजीनियस होता है, हमारा मेनी बायर और लॉट ऑफ बायर एंड लॉट ऑफ सेलर होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आपने पर्टिकुलर एक एक लाइन जो एजम्पशन होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो आपने अगर पर्टिकुलर एक एक लाइन जो एजम्पशन होता है वो क्रक्स होता है आपकी पूरी थ्योरी का। जैसे कि अगर आपका लॉ ऑफ डिमांड है तो उसमें ये बोला कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ आप छोड़ दे रहे हैं कि एज ऑल द अदर थिंग रिमेनिंग सेम, यानी ऑल द अदर थिंग रिमेनिंग सेम, यानी बाकी जो चीज़ें हैं यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी के अदर थिंग जो चीज़ें उसको हमने एजम्पशन में जो है कॉन्स्टेंट अजूम कर लिया है। तो जब आप एजम्पशन को जो है क्लेरिफाई करोगे एक एक लाइन बाई वाइज कि हर एक एजम्पशन का क्या मतलब होता है, आपने कांस्टेंट बोला, आपने जो है डिमिनिशिंग बोला, जैसे कहने को तो यही है ना कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन जब मैंने समझाया तो कितना टाइम हो गया, देखिए अभी चाहे तो इसी इतने 21 मिनट का वीडियो हो गया, चाहे तो आप 10 मिनट में ही पूरी की पूरी इंडिफरेंस करो ख़त्म कर दें, लेकिन देखिए अभी तक मैं इंडिफरेंस करके अभी प्रॉपर्टीज तक नहीं पहुंची हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ कि एमआरएस क्या होता है। अभी एजम्पशन के केवल दो पार्ट मैंने समझाए, तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे पढ़ाओ कि सामने वाले को फिर दोबारा किताब छूने की ज़रूरत ना पड़े, उसको वो अगर अनपढ़ भी रहे तो उसको वो टॉपिक आ जाए, इस तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक। तो क्योंकि एजम्पशन जो है क्रक्स होती है थ्योरी की, तो आप अगर लाइन बाई वाइज एजम्पशन को अगर क्लेरिफाई करते जा रहे हो, उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हो, तो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं एजम्पशन से बनते हैं, और यहाँ पर कि आपने ये किया ऐसे किया तो ये ऐसे क्यों है, यही पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा एक कि इंडिफरेंस कर हमारा ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही क्यों होता है। ये हम जो है कि प्रॉपर्टीज में ही डिस्कस करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, अब हम जो है ख़त्म करेंगे 4 से 5 मिनट तक, क्योंकि वीडियो चलती जाएगी तो 40-45 मिनट की हो जाएगी, काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब है कि आप इंडिफरेंस कर, चाहे वो 5 हो चाहे 4 हो चाहे 8 हो, आप उसको लाइन बाई वाइज एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके बाद थ्योरी में आपसे कोई, जब आप थ्योरी पढ़ाएंगे तो थ्योरी में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और क्योंकि अगर आप एजम्पशन को जो है जंप करके आपने जो है डायरेक्ट थ्योरी पे पहुंचते हैं तो एजम्पशन से ही लॉट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं और एजम्पशन में ही आपको वो फंसा के रख देंगे। अगर आपने पहले, और फिर कि इन्होंने तो इसको जंप कर दिया, अगर आपने सीक्वेंस के थ्रू आप जो है पहले कीजिए और आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर के पढ़ाइए, अपने आप को जो है डेमो देखिए क्या कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप 2 से 3 बार ऐसे करेंगे ना मिरर के सामने तो आपको समझ आएगा क्या कमी हो रही है क्या नहीं हो रही है, और कॉन्फिडेंस पूरा रखिए। और ये सोचिएगा कि आपके सामने वाला कितना भी बड़ा प्रोफेसर है वो एक अनपढ़ आदमी है, और आप जो बोल रहे हैं वही सही है, और जो भी है आपने वहाँ पे बस चुप नहीं रहना है। वो अगर आपसे जो भी स्टार्ट कर रहा है, आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से वो जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है तो वो आपको बताना ही बताना है, क्योंकि आप जो टॉपिक, क्योंकि वो आपको टॉपिक नहीं देते हैं आप जब जाएंगे कि आप ये फलाना टॉपिक पढ़ाओ ये ढेकाना टॉपिक पढ़ाओ, नहीं, वो आपसे बोलते हैं आप डेमो क्लास दो, तो आपको जो भी बेटर लगता हो जो भी अच्छा लगता हो आप उस पे टॉपिक पढ़ाओ। यानी कि अगर आपका जो अच्छा है, यानी आपका उस पे पकड़ है, आपका कैच है, ठीक, और आपका पकड़ है कैच है तो आपको जो है अच्छे से आसानी से हो जा है। तो इसलिए आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करें उसको जो है एक एक पॉइंट, उसके एक एक वर्ड को, नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब होता है, घूम फिर के चीज़ें एक ही है लेकिन हर जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है हायर इंडिफरेंस कर, तो वहाँ पे जो है हायर बजट हो जाता है, पूछ देंगे आप हायर इंडिफरेंस कर वाले पे क्यों एक कंज्यूमर नहीं जाता या लोअर वाले पे क्यों नहीं जाता, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप एजम्पशन को क्लेरिफाई कर रहे होगे तो एजम्पशन से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर जगह, तो उन्हें ये लगेगा कि हाँ
ये एक सीक्वेंस में भी बता रहा है और एजम्पशन को हर एक चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों को क्लेरिफाई करते जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करने का मौका ही नहीं। और अगर आपने अच्छे से तैयार किया, अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया तो आप वहाँ क्वेश्चन भी बता पाओगे, तो इस तरीके से आप यहाँ से जो है क्लासेस से जो है अच्छे मार्क्स ले जाओगे। यानी आप 2 से 3 टॉपिक जो है करिए, अच्छे से उस पर पकड़ रखिए। और अगर आपको जो है और सीक्वेंस वाइज, और ऐसा नहीं कि बस शुरू हो जाए तो पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके, जैसे आप ये समझिए कि आप स्टूडेंट होते हैं और आपको जब टीचर पढ़ाता है एक्सप्लेन करके, तो आपको कितने अच्छे से समझ में आता है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती और आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहती है मोस्टली, अगर आपने अच्छे से कहीं क्लास की हो तो। उसी तरह आपको जो है समझिए कि आप जिस तरीके से लेना चाहते हैं आप वैसे ही दें। और अगर आपने जो है प्रिपेयर करना है तो 3 से 4 टॉपिक अभी से शुरू हो जाए और मिरर के सामने प्रिपेयर करें, या मोबाइल में जो है रिकॉर्ड करके प्रिपेयर करें और फिर उसको सुने। जब आप उसी चीज़ को 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको आपकी जो है खामियां मिल जाएगी, आपकी कमियां मिल जाएंगी, देन वर्क ऑन इट, उस पर वर्क करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिर भी अगर इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उससे भी रिलेटेड जो है चीज़ों को सॉल्व करूँगी। ठीक, तो और आगे जो है क्रिसमस का है और न्यू ईयर है, तो आप लोग जो है उसको भी सेलिब्रेट कीजिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कीजिए, थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेशन भी कीजिए, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा मस्ती भी करते हो, पढ़ाई भी करते हो, तो इससे पढ़ाई बोझ नहीं लगती है। और उसके अलावा जो है आप इंजॉय करते हुए जब पढ़ते हो ना, तो ये काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है, काफ़ी जो है अच्छा लगता है, और आप डबल एनर्जी के साथ काम पे करते हो और आपको सबसे बड़ा बोझ नहीं लगता। जैसे होता है ना कि इंजॉय करते हुए आप कोई जिम्मेदारी निभाओ तो वो भी एक फ़न लगता है, उसी तरह ये होगा। तो अगर आप टीचिंग करते हुए ये करके आप करने जा रहे हो कि हम मुझे इंटरव्यूअर को क्या करना है, क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर को जो है, जैसे कि सॉरी वर्ड नहीं याद आ रहा, मतलब उनको जो है अच्छा देना है, शानदार देना है, लेकिन उससे पहले ये आपको देखना है कि आप जो टीचिंग करा रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। जैसे अभी मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ, इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मुझे सामने वाले को इम्प्रेस नहीं करना है, देखिए इम्प्रेस वर्ड आ गया, सामने वाले को इम्प्रेस नहीं करना है कि मैं बस उनको इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ, बल्कि मैं ये आपको जो मैं बता रही हूँ इसको मैं खुद इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग कराना अच्छा लगता है, मुझे बताना अच्छा लगता है, मुझे आपसे जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ये अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे केवल इतना मैंने सोचा था कि मैं इंडिफरेंस कर्व कराऊंगी, लेकिन जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी तो मुझे लगा शायद 10 मिनट होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए वीडियो ऑलरेडी लेंदी होती जा रही है और मैं MRS और दो ही चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया। अगर मैं पूरी टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करने जाऊँ तो ये आई थिंक IC कर्व ही 2 घंटे का हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि आपको भी, मुझे भी नहीं लगा कि मैंने ये 25-27 मिनट की वीडियो बना ली और आपको जो है बता रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को इंजॉय करते हुए करते हो तो वो आपको बोझ नहीं लगती, आपको भी फन होता है और सामने वाले को भी लगता है कि नहीं ये केवल मेरे लिए नहीं कर रहा है बल्कि ये खुद भी इंजॉय कर रहा है। और ये सारी चीज़ें आपको आपके चेहरे पे, आपकी आँखों में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी एटीट्यूड में, इन सारी चीज़ों में दिखती है। और वही वो ढूंढते हैं, वो सिर्फ वो नहीं ढूंढते कि नॉलेज उनको पता है कि हर एक बच्चा जो यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, जो मेरे सामने बैठा है, इंटरव्यू दे रहा है, उन सबको एक अच्छा नॉलेज है। इवन मेरे जो प्रोफेसर होते हैं उनको भी उतनी सारी चीज़ें याद नहीं होती जो एक स्टूडेंट जो इंटरव्यू में देने के लिए प्रिपेयर करके गया होता है। तो इस तरीके से आप जो है इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए और थोड़ा सा मस्ती भी करते रहिए, क्योंकि आगे सेलिब्रेशन टाइम है और न्यू ईयर सबके लिए अच्छा हो और हम सब के लिए जो है अच्छी खुशियाँ लाएँ। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।